होती है अभी एक ऑब्जेक्ट वन तो दोनों चीज ठीक है कनेक्शन मुझे पता होगा तो बहुत अच्छी है किन्ना आपका स्कूल करना है मैं कहीं समझा आज पावर शेप च बना के भी करके देखनी है फाइल जी सेव हूँ इन आप खोलें पावर शेप इंपोर्ट थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि ना इन एक ना लाइसेंस होंगे डाटा एक्सचेंज का हमने इस टाइम ऑन कर दे मतलब जेड़ा के किसी होर फाइल तो कन्वर्ट करन दे विच मदद कर दो वो अलग तो इंस्टॉल करना पड़ना डाटा वो जब आप इंस्टॉल कराएंगे और एक बार डाटा एक्सचेंज जरा खोल ले कहना लाइसेंस फिलहाल साढ़े को लाइन ही ना तो बंद कर देने नहीं आप खोल दूंगा फिर भी क्योंकि जरा डेमो वर्जन होता है ना वो तो खोल ही होता है एक बार ये पूछूंगा ठीक है और आप इतने जाके डेल कई लोग ना बेफालतू च क्लिक करन लग जाते हैं वेट करनी चाहिए कंप्यूटर की कहना चाहिए हमें भी जेड की डायरेक्शन भी अगे आप इतों चक के अपनी मर्जी का सेंटेंस रख ठीक है कोई भी गोल चीज हो सेंटर से रखो क्योंकि थ्री पॉइंट देकर अभी उन्होंने ले जा रहा इन सिलेक्ट किया कंट्रोल सी करो पावर मिल जाओ मॉडल पर क्लिक करके फिर कंट्रोल वी करो ताकि सॉलिड शेड चेंज किया सर आप जिदा मतलब गल करते पे रेड कलर की लाइनिंग आ रही थी क्या
कैटेगरी मतलब खाना हो मतलब बड़ी दूर है वो चीज़ अच्छा ठीक है उसके बाद सानू चाहिए स्टॉक इस केड स्टॉक दे विच आप कटना जाने हैं ठीक है बाउंड्री सिलेंडर नहीं कर सकते तो अपने आप कैलकुलेट करना है ठीक है मतलब उन्हें पूरी पूरी बाउंड्री जिन्ना सिलेंडर ले लिया ठीक है चावल तक बंद कर सकते जो नहीं दिख रहा था मैं स्टॉक में उस तो बाद मशीनिंग करना चाहना मशीनिंग करने वास्ते मेरे को इतने ऑपरेशन देना पैना टूर पास स्ट्रैटेजी इतने थ्री डी एरिया दे विच है रास्टर रास्टर एरिया क्लीयरेंस कितना थी प्रोफाइल एरिया क्लीयरेंस भी कर सकते हैं ऑफसेट एरिया क्लीयरेंस भी कर सकते हैं और भी कई है ऑपरेशन ठीक है हौली हौली देखा वो कड़ा सू फेवरेट दे दिखा कि ऑफसेट एरिया रास्टर एरिया रास्टर फिनिशन पसंदा भी ऑफसेट एरिया इतने टूल पाथ बन जाते तो आप विंडो खोलिए हूँ ये सू चाहिए हम आप रफिंग करनी है रफिंग करनी है आप जब बुलनोज लगा बुलनोज करोगे तो बुलनोज आएगा बाद में ठीक है जे इतने आप रेडियस ठीक है वो आ जाए कि डाया चाहिए मेरे जी पच्ची लेंथ अपने आप आ गई ठीक है रेडियस कि साइड से रेडियस टूल नंबर दे दो ठीक है जो प्रोग्राम बनूंगा और टूल नंबर लिखे आऊगा जिन्ना आप इतना देवे ठीक है बाकी चीज़ा भी दे सकते बट फिलहाल आप मुद्दे पर रहने आप सिर्फ टूल चला के देखना ठीक है फिनिशिंग कितनी चाहिए मैं कह जी दो मटीरियल छोड़ दो लाइना दिख रही दोनों पासे वास्ते जे एक क्लिक कर दूंगा सिर्फ साइड वास्ते साइडा ते किन्ना छड़ना थल्ले किन्ना जे ते क्लिक कर दूंगा दोनों साइड ते बराबर स्टेप ओवर किन्ना देना है तुसी कैलकुलेट करके पाना है स्टेप डाउन किन्ना अप करना है कैलकुलेट करके पाना है स्टेप ओवर ते स्टेप डाउन सर किदा कैलकुलेट करते हो फार्मूला लगाना स्टेप ओवर तो हुंदा टूल दे डाय दा 40% जिन्ना टूल है वह डायमीटर है वह 40% ठीक है रफिंग के ऑपरेशन जिन्ना स्टेप ओवर घटिया जावे उन्ना फिनिशिंग का ऑपरेशन वाल मिल जाएगा ठीक है लैवल कट एक हमारा लैवल कट एरिया कट ऑफ कट इस कंडीशन की कोई जरूरत नहीं आप अलग एग्जाम्पल बनावे नैक्सट वो दिखाना भी यहाँ की फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल मैंने कुछ और चेंज करने की जोड़ नहीं है सर जिदा स्टैप ओवर का 40% हो गया डाइट का स्टैप डाउन थले कि जाना एक बार डी डेप डेप्थ कि 10 mm जगह हैगी है तो वो एक बार तो कट नहीं ना सारा देख एक एक एम एम या 0.5 या 0.25 वो अकॉर्डिंग कटना पैना ये जनरेट हो गया बैठ जाओ कहीं पे भी एक जगह बैठ जाओ दोनों जाने कितने भी बैठ जाओ ये ठीक है ये नहीं बैठी आप चला के देखना है यू करो 1 नंबर ठीक है टू इत टू आप दो ले ले सी ना पहले नु दिते नहीं ना सी लेनी ठीक है 2 नंबर का इनू ऑन कर दो ताकि आप 3D सिमुलेशन देख सकते हैं प्ले करेंगे और
स्पीड स्लो स्टार्टिंग से एंट्री कर रहे हैं ना। ये तो सिमुलेशन है, ये नाल कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी बीट स्पीड असी दवांगे वो दे अकॉर्डिंग ही चलेगी। ठीक है तो ये भी स्पीड स्टार्ट आ रहा है। क्योंकि जिन्ना इधर डाया है वो रिकॉर्डिंग नहीं चलनी है। ठीक है मतलब जिथे ये डायमीटर जा सकता है टूल का, कोई यह जी जगह है जिथे हम आप 25 का बुल लगाए, कोई जगह है जी जिथे 5 है जगह उथे जा नहीं सकता, उथे हट दूंगा जगह मेडिकल कार्ड वास्ते फिर मैं नेक्स्ट ऑपरेशन कराऊंगा। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਮੋਲਡ ਦੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵੀਕ ਕਟਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਦੋ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਪਾਇਰਲ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਡੀਅਲ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਂਸਟੈਂਟ ਜੈੱਡ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਜੈੱਡ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਅਲ ਲਗਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲ ਨੂਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬੋਲ ਨੂਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ 10 ਦਾ ਬੋਲ ਨੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਟੂਲ ਨੰਬਰ 13 ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲ ਨੂਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ, ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ 10 ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਥੇ, 100 ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀਰੋ ਤਾਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਅਸ 25 ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਿਊ ਕਰਾਂ ਅਤੇ 25 ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਜੇ ਮੈਂ 100 ਨੂੰ 80 ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਸੌ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 40 ਅਤੇ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 45 ਅਤੇ 45 ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਚਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 55 ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ 80 ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਟੋਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, 80 ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 360 ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਚੱਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ। ਰੇਡੀਅਲ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਟੂਲ ਉੱਠੂ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, 2-3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣੇ।
ये तो जस्ट तुझे क्या फिनिशिंग करनी है तो फिनिशिंग कर हूँ दोनों टूला चलाना है ना तो सेकंड नंबर टूल चलाना तो सेकंड नंबर को फिर जनरेट कर स्टेप बाय स्टेप है ये ऊपर कितना उठता है टूल एंट्री कितना लगेगा बाहर कितना जाऊगा शुरू कितों होगा खत्म कितों होगा सारिया चीज़ा जड़िया है बारी बारी करनी और सीखना की यही था सीखना हाँ जी एम प्ले करा तो पहले अपन दूजा रफिंग का टूल चलाना चाहिए सर सर जिदा तुम कह रहे 2018 के टाइम डायनेमिक एनएक्स के मास्टर कैंप डायनेमिक प्रोग्राम अरे यार अही तो ना दिमाग नहीं ना इस्तेमाल करते हम दो ऑपरेशन चले है ठीक है अनपढ़ता कितों नज़र आती है इतने तक नज़र आती है कि दो टूल चले है हूँ आप सीधा दूजा चलावे तो इदा ही नज़र आऊगा ये तो कंप्यूटर है ना ये इदा थोड़ी चलावे असली दे तो फिर हूँ ही ना ना वैसे ना ना गल करो इलॉजिकल एरर नहीं आना चाहिए पहला आप रफिंग का टूल चलाया है इतने एक बार रफिंग का ऑपरेशन नहीं किया हम रफिंग करा उ जो मटीरियल छड़ा उ चलूगा ना ये फिर टूल पाथ देखो ना कितने जा रहा है हम इतों चल के वापस तो आऊगा ही ना फिर लॉजिक गलत हो जाता है जो आप इतना चाहो सर पहले वाला जो टूल पाथ है उसके क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कोई गल नहीं तुम तो चाहते हैं कोई जो चीज़ मैं सिखाना चाहना वो नहीं ना सीखना चाहते तुम कुछ और सीखना चाहते आप क्वेश्चन मार्क की गल ही नहीं कर रहे हाले आप दसवीं की है दसवीं के नंबर आए नहीं आप सोच रहे हैं कि प्लस टू तो आह क्वेश्चन आऊगा पेपर चाहिए तो रह गया एक्साइटमेंट बहुत तंग कर सकती हैगी है एक्साइटमेंट जी है बहुत तंग कर सकती है अगला पिछला समय नहीं आया तो प्लस वन से चले गए हम प्लस वन से जाके दुखी है भी ये तो समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं आया क्योंकि दसवीं नहीं आई सही चल रही हम मैंने सारी एंड आड़ी कट्टनी पड़नी ਕਿਹੜੀ ਗੋੜ